नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। मध्य प्रदेश के रीवा में एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है, जहां पर गंभीर हालत में महिला को अस्पताल भर्ती कराकर आरोपी फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रीवा में महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। हैवानियत की शिकार हुई महिला को अचेत हालत में आरोपी अस्पताल में भर्ती करवा फरार हो गए। शाहपुर थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला के साथ 30 सितंबर को ये खौफनाक वारदात हुई थी। महिला किसी काम से बाहर गई थी, जहां आरोपियों ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ गैंगरेप किया। जब महिला अचेत हो गई तो आरोपी उसे अस्पताल में भर्ती करवा कर फरार हो गए और वहीं से छोड़कर चले गए। सारी रात महिला घर से लापता रही। सुबह जब परिजनों ने उसे खोजना शुरू किया, संजय गांधी अस्पताल में भर्ती मिली। रविवार को परिजन घटना की शिकायत लेकर महिला थाने पहुंचे थे, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। घटना में 5 आरोपियों के नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें 2 नहर अध्यक्ष है। पुलिस ने 3 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है, जिनमें घटना के संबंध में जानकारी पुलिस ले रही है। परिजनों के मुताबिक 5 आरोपियों ने उसके साथ बलात्कार किया था। पुलिस पीड़िता की जांच गायनी विभाग से करवाएगी, ताकि उसके साथ हुई घटना की पुष्टि हो सके। वही शनिवार को महिला के संबंध में सर्जरी वार्ड से सूचना SGMH चौकी पहुंची थी, जिस पर चौकी की पुलिस उक्त महिला के बयान दर्ज करने गई थी, लेकिन वह बोलने की हालत में नहीं थी। रविवार को जब परिजन महिला थाने पहुंचे, तो महिला थाने की पुलिस हुई उसके बयान दर्ज करने अस्पताल आई थी, लेकिन बयान नहीं हो पाया। जब तक महिला की बयान दर्ज नहीं होती है, तब तक पुलिस की जांच भी आगे नहीं बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। कितने कई आदमी रहे? 5-6 आदमी रहे हैं। का पता, अब हमारे सुधीर नहीं रह गई एक का। और ठोंधा वरन सुधीर नहीं रह गई यार। 5-6 आदमी रहे हैं। हाँ, वो एक ठोंधा पानी ले रहा, मान ले तो अंधा के आगे कुछ और ही नहीं पाए रहना है। उनका नाम का भाई, नाम बताओ। उनका नाम वो इतने वो ही थे, वो अरुण सिंह नाम है उनका। एक जने के जो हवा का है हवा नाव के छोटू धवका नाव है कहीं ला है उनकर का नाव सरपंच की धवका नाव है धवका के सरपंच के नाव है सरपंच भी थे। हाँ, सरपंच के धवका नाव है। खैरा गांव का हूँ, खैरा नंबर 3 का ग्राम पंचायत, खैरा नंबर 3। और जो पेशेंट है वो मेरी माता जी है, मैं उनका बेटा हूँ। क्या है कि रात का समय था, लगभग 11-12 बज रहे थे। घर में कोई था, मैं भी नहीं था, ना हमारे भैया थे, ना हमारी बहन थी, केवल मम्मी बस थी। अब रात में एक अरुण सिंह नाम का ठाकुर है, उसका गांव बिशरहाटा में है। वो हमारे गांव में कहीं पार्टी अटेंड कर रहा था, दारू सारू पी रहे थे व्यक्ति 4-5 लोग। हमारे गांव का एक सरपंच है जिसका नाम है महेंद्र मिश्रा, और उसकी पत्नी जो है वो सरपंच है, वही वहाँ पे बैठ कर दारू पी रहे थे। तो हमको ये जानकारी मिली है कि हमारे लोगों के साथ बिल्कुल गलत हुआ है, ये लोग आपस में मिलकर 4-5 लोग बहुत गलत किए हैं। और क्या किए कि वो रात भर हमारी मम्मी लापता थी, वो ला के यहाँ इंट्रोड्यूस भी करवाए हैं, और हमको कोई भी जानकारी रात भर नहीं थी। ये सुबह मुझे जानकारी हुई 11-12 बजे के करीब, तो मैं वहाँ बुआ के यहाँ था, वहाँ से तुरंत तो मैं यहाँ हॉस्पिटल आ गया। थाने में सूचना दिए थे पहले जब करना थी? थाने में सूचना दिए, FIR दर्ज हो गया, महिला पुलिस यहाँ आई थी। जिस दिन लापता हुई थी उस दिन सूचना दिए थे क्या? उस दिन सर नहीं दिया, उस दिन हमको खुद ही नहीं मालूम था। जब मालूम पड़ा तो ये हॉस्पिटल में थी, तो मैं दौड़ा हॉस्पिटल में चला आया। यहाँ कब पता चला तुम लोग को? हमको पता चला ये 11 बजे की बात है, 10-11 बजे करीबन पता चला है। ये घटना कहाँ पे हुई थी, कहाँ पे लोग दारू पी रहे थे? ये दारू पी रहे थे ग्राम पंचायत खैरा नंबर 3 में। किसी के घर आर में थे कि कहीं? नहीं, घर में नहीं थे, पंचायत में थे। ठीक। पिछले 3 दिन पहले एक विधवा महिला के साथ गैंगरेप हुआ है, और हम लोग संजय गांधी अस्पताल आए हैं पीड़िता की मदद करने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए, उसके दुख को साझा करने के लिए और उसकी मदद के लिए, ताकि उसको न्यायिक मदद मिल सके। लेकिन संजय गांधी अस्पताल हम लोग आए हैं,
बिस्तर खाली है। सारे डॉक्टर से मैं बात कर चुकी हूँ, रेजिडेंट से बात कर चुकी हूँ, सारी टीम रमा दुबे जी हैं, प्रदेश महामंत्री हैं, और सारी कांग्रेस महिला की टीम हमारे साथ खड़ी हुई है, लेकिन कोई भी डॉक्टर हमें बताने को किसी कीमत पर तैयार नहीं है। कोई कहते हैं पता नहीं कहाँ चली गई हुई, कोई कहते हैं दो लोग ले गए, लेके एक डॉक्टर ना गार्ड ना पुलिस ना कोई भी। पिछले एक घंटा से हम लोग पूरे अस्पताल के हर बेड में झांक झांक के देख रहे हैं कि रेप पीड़िता को हम लोग ढूंढ लें, उससे बात कर लें। ऐसा लग रहा है कि हाथ रस की घटना दोबारा दोहराने की कोशिश रीवा जिले का प्रशासन कर रहा है। पीड़िता से हम बात करना चाहते हैं, हम उसकी मदद करना चाहते हैं, और रीवा ज़िले का प्रशासन, पुलिस और यहाँ के अस्पताल का प्रबंधन किसी भी कीमत पर। मैं लगातार पिछले हम लोग 11 बजे से आए हैं और 12 बजने पे आ गया, उस महिला का रत्ता पता नहीं लग रहा, बिस्तर खाली है और उसका कपड़े सामान पड़ा हुआ है, लेकिन महिला ऐसा लग रहा है उसको भूत खा गया हो। तो हम लोग रीवा जिले के प्रशासन से, कलेक्टर, कमिश्नर, पुलिस अधीक्षक, आईजी और मध्य प्रदेश के मुखिया मामा जी, जो ये कहते फिरते हैं कि हम बेटियों के मामा हैं, तो आज इस कल 3 दिन पहले इसके साथ रेप हुआ है। आज क्योटी प्रपात में सोनू पांडे नाम की लड़की का अर्धनग्न शव मिला है, जिसको उसके परिजनों ने बार बार पुलिस से कहा था कि हमारी बेटी गायब है, पुलिस ने कुछ कार्यवाही नहीं की। लगातार रीवा जिले में 3 से 4 घटनाएं एक दिन में हुई हैं, लड़कियों को सॉफ्ट टारगेट मानकर उनको मारा जा रहा है, और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि महिला जिसको इन्होंने गायब किया हुआ है वो हम लोग को जिंदा मिल जाए, ताकि हम लोग उससे बात कर सकें, हम उसकी मदद कर सकें। प्रशासन की मंशा अपने आप में क्वेश्चन मार्क लगा रही है कि आखिर इस महिला को जब हमने कल कह दिया कि हम 11 बजे मिलने आना है, तो ये क्यों गायब करा है, इस क्यों का जवाब मुझे जिला प्रशासन अपने अस्पताल प्रबंधन से चाहिए। मैंने सारे डॉक्टर से बात कर ली, लेकिन कोई डॉक्टर बताने को तैयार नहीं। परिजनों से आपकी बात हुई क्या? कुछ पीड़िता के कोई परिजन नहीं, एक दूर का रिश्तेदार बोला कि हम सो रहे थे, उसके पास फोन भी नहीं है, बेहद गरीब परिवार है और वो कुछ जानता नहीं। बोला दो जने आए थे, दो जने लड़की को लेके पकड़ कर चले गए, लेकिन ना तो जब अस्पताल में कोई भर्ती है तो अस्पताल प्रबंधन को ये पता होना चाहिए कि आखिर वो महिला गई कहाँ। इतने संवेदनशील मामले में, जिसमें पूरे देश में जलजला आया हुआ है हाथरस के मामले में, तब रीवा का प्रबंधन यदि यह तरीका एडॉप्ट कर रहा है, ये बहुत शेमफुल है। महिला नारी अस्मिता का सवाल है, हम यहीं बैठेंगे, बिना मिले जाएंगे नहीं, और आकाश से पाताल से ढूंढ के निकालेंगे, चाहे आप जितना छुपाइए उसको। मैं रमा दुबे हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष। आज हम सब महिलाएं यहाँ इकट्ठा होकर के एक महिला की दर्द भरी कहानी सुन करके आए हुए हैं, किंतु उस महिला का दर्शन भी देखने को नहीं मिल रहा है। अब बड़ा अफसोस हो रहा है कि आज महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रही हैं। घर में देखें तो बेटियां हैं, माँ हैं, बहन हैं, कोई भी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हैं। मैं ये चाहती हूं प्रशासन से और यहां के अस्पताल प्रबंधक से कम उस महिला को हम लोगों से, महिलाओं से तो मिला सकते हैं, हम लोग उनसे बात तो कर सकते हैं। ऐसी क्या बात है, ऐसी क्यों वो हर चीज़ को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? उन्हें जैसे जानकारी मिली उन्होंने महिला को गायब करा दिया। जो डॉक्टर बैठे हुए हैं उनसे पूछते हैं तो कहीं कहते हैं कि वो पूछताछ के लिए ले गए हैं, कहीं कहते हैं कि वो गायनी विभाग में ले गए हैं, कहीं कह रहे हैं कि हड्डी विभाग में ले गए हैं। अरे अगर वो महिला इतनी पीड़ित है तो वार्ड में आकर के क्यों नहीं ट्रीटमेंट कर रहे हैं? मुझे आज तक ये मालूम है कि कोई भी महिला अगर एडमिट होती है तो डॉक्टर स्वयं वार्ड में आते हैं और उसे देखते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई महिला असमर्थ है, जा नहीं सकती, और उसको बार बार भेजा जा रहा है कि वो यहाँ गई है, वहाँ गई है। तो मुझे शक होता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है जिसे यहाँ के डॉक्टर और प्रशासन छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं महिला होने के नाते हम लोग यही चाहते हैं कि वो महिला सुरक्षित स्वस्थ मिले हम लोगों को और अपने घर स्वस्थ होकर के जाए, मेरी यही दुआएं हैं। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और देखते रहे HBN News।